नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुसेशन के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी M30S, जिसमें आपको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, उसके नीचे आपको मेन सेंसर मिलता है जो है 48 मेगापिक्सल का, और सबसे नीचे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर। तो आप वाइड एंगल शॉट भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट मोड भी ले सकते हो, और 48 मेगापिक्सल के साथ क्लियर पिक्स भी आप ले सकते हो। वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने फोन के कैमरे को यूज कर सकते हो, और सैंपल के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में जो फोटोज है किस तरह से आती है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो जैसे आप अपना ये कैमरा ओपन करते हो, अपने फोन का कैमरा, तो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट ओवरव्यू इस तरह आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको फोटो मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम फोटो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो होता है ये 1x होता है नॉर्मल मोड। इसके बाद दोस्तों ये आपको मिल जाएगा वाइड एंगल शॉट के लिए। तो यहाँ पे वाइड एंगल शॉट के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो जो काफी एरिया बड़ा हो चुका है, बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हो आपके फोन में। और दोस्तों इसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपको यहाँ पे 2x, 3x और 4x भी मिल जाता है। तो आप 2x, 3x की फोटो भी यहाँ से ले सकते हो, जूम कर सकते हो। आपको इस पे क्लिक करके रखना है और स्लाइड राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो आप जूम जो क्राइटेरिया है उसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर ऊपर की सेटिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा की सेटिंग्स में जो सीन ऑप्टिमाइजर है उसे अगर आपको ऑन रखना है। सीन ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है अगर आप कोई फूड की फोटो ले रहे हो, फ्रूट की ले रहे हो, फ्लावर की ले रहे हो, कोई आप सीन की ले रहे हो, सनसेट की, सनराइज की, रिवर की, बीच की, तो उस हिसाब से जो AI सिस्टम है वो आपको मतलब ऑप्टिमाइज करके देगा शॉट लेने पर। तो जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे जो वीडियो साइज है, फ्रंट वीडियो साइज, वो आप यहाँ पे 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जो रिजोल्यूशन है आप देख सकते हो, यहाँ पे UHD दिखा रहा है जो 4K है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल HD तक आप रिजोल्यूशन रख सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इससे आपको इनेबल करना है ताकि आपके जो वीडियोज है वो शेकी ना आए, अच्छे आए, स्टेबल आए। और इसके बाद आपको यहाँ पे वाटर मार्क भी मिलता है, अगर आपको वाटर मार्क इनेबल करना है तो आप कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे स्प्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टाइमर का मिल जाता है, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है या बोलेंगे एक एरिया है 3:4 या 9:16, जो रेशियो है कैमरा का स्क्रीन का, उसके हिसाब से जो फोटो है वो ली जाएंगी। अगर फुल चाहते हो तो आप फुल भी यहाँ पे रख सकते हो, तो इस हिसाब से जो फोटो का जो रेशियो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सीन्स मिल जाते हैं, फिल्टर्स मिल जाते हैं, आप फिल्टर्स भी यहाँ पे ओरिजिनल, कूल, वार्म सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, तो ब्यूटी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ब्यूटी ऑन है, अभी आप इसे ब्यूटी ऑफ भी कर सकते हो, ब्यूटी ऑन भी कर सकते हो, इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। दोस्तों फिर आप अगर वीडियो पे जाते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने देखा होगा जो रियर कैमरा होता है 4K सपोर्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेबल के लिए सुपर स्टेडी मोड भी मिलता है, मतलब जो आपके वीडियो होंगे वो ज़्यादा शेकी नहीं आएंगे, स्टेबल आएंगे, स्टेडी आएंगे, तो इसे ऑन रख सकते हो। इसके बाद आप ब्यूटी मोड भी आपको वीडियो में मिल जाता है, जो सेटिंग्स हमने देखी थी वो भी आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको वीडियो जो है आप वाइड एंगल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है कि आप वीडियो वाइड एंगल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सुपर स्लोमो मिल जाता है आपको, तो सुपर स्लोमो काफ़ी मतलब स्लो होता है, और इसके लिए आपको नेचुरल लाइट का मतलब यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो इंडोर लाइट में जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है ऐसे, अगर आप इसे दिन में यूज़ करोगे तो ये ऐसे ब्लिंकिंग नहीं होगा। तो दिन में इसको आप सुपर स्लोमो को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि FPS हमें पता नहीं है ये कितने FPS पे काम करता है, लेकिन ये काफ़ी स्लो रिकॉर्ड करता है।
इसके बाद आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है, स्लो मोशन भी सुपर स्लो से थोड़ा फास्ट होता है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है। और इसके बाद आपको हाइपरलैप्स भी यहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लाइव फोकस में जाते हो तो लाइव फोकस एक टाइप का मतलब पोर्ट्रेट मोड है जो सैमसंग में लाइव फोकस के नाम से जाना जाता है, तो आप पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जो सेटिंग्स होंगे, टाइमर होगा, सभी सेम होगा। आप ब्लर मोड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। आप ब्लर मोड को लाइव एडजस्ट कर सकते हो, तो लाइव फोकस लेने का यहाँ पे अच्छा फायदा है कि आप रियल टाइम में ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है, तो प्रो मोड मतलब आप WB ISO सिलेक्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से, तो ये एक टाइप का प्रो मोड है। इसके बाद आपको पैनोरामा मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है नाइट मोड, तो नाइट मोड की काफी अच्छी बात है कि जो आपने अगर आप फोटो कोई नाइट में लेते हो, जो जहाँ पे डार्क लाइट हो, जहाँ पे लाइट कम हो, वहां पे आप नाइट मोड का यूज कर सकते हो। नाइट मोड का फायदा होगा कि जो आपने डार्क लाइट में जो फोटो लिए वो काफी अच्छी आएंगी और फोटो की डिटेल्स होंगी काफी अच्छी दिखेंगी। लेकिन मैंने गौर किया है कि अब नाइट मोड में जब फोटो लेते हो तो जो फोटो होती है वो थोड़ी ब्लर आती है, अगर आप जूम करते हो तो जल्दी फट जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि नाइट मोड में जो लाइट है ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा दिखाई देती है, मतलब ब्राइट दिखाई देती है आपकी फोटो। अगर आप नाइट में भी फोटो लेते हो तो कम लाइट में भी फोटो लेते हो तो आपकी फोटो ब्राइट दिखाई देती है। दोस्तों अगर बात करेंगे फ्रंट कैमरा की, तो आपको इस तरह से डिफॉल्ट व्यू मिलता है फ्रंट कैमरे में, जहाँ पे HDR ऑन है, यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाती है। सेटिंग्स में आप जो वीडियो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे फुल HD मिलता है दोनों में, जो 4K है ये रियर के लिए है, फ्रंट के लिए आपको वही फुल HD मिल जाता है। और आपको अगर आप बात करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो और यहाँ पे वाइड एंगल भी दिया हुआ है, तो आप वाइड एंगल और नॉर्मल मोड दोनों से आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो, तो काफी अच्छी बात है। आप ज्यादा अगर ग्रुप में फोटो लेना चाहते हो तो आप ये जो सिलेक्ट है ये कर सकते हो वाइड एंगल का। इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, और वीडियो के लिए आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो, आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, रेशियो चेंज कर सकते हो, फुल या 1:1 रख सकते हो। इसके बाद सेटिंग्स में जो भी सेटिंग्स हमने देखी थी वही सेम सेटिंग्स होगी यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियो में फ्रंट कैमरा में स्टेबिलाईशन नहीं है, याद रखना है, बैक कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे एक्टिव है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, तो आप पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड एंगल का यूज कर सकते हो और नॉर्मल मोड का भी यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ब्लर मोड को भी रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हो। सेल्फी कैमरा में भी ये काफी अच्छी बात है, आप वाइड एंगल भी ले सकते हो और पोर्ट्रेट मोड में भी वाइड एंगल ले सकते हो।